आफ्टरनून सर। कहाँ रहे आप? और जो सुपर स्प्लेंडर में आए ना था जी। जी सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत स्ट्रिक्टली कार्रवाई हो रही है सर, बहुत अच्छी बात है। सेव रखना जरूरी है जी, मुख्य चीज। हाँ मुख्य, मालिक को वहाँ नहीं देना, नहीं देना। आजकल छोटे छोटे बच्चे बहुत हम लोग तो स्कूल में भी जा जाके प्रिंसिपल को कम जा। अच्छा सही। पहले हाँ इंश्योरेंस करवाएंगे, इंश्योरेंस तो नहीं कराओगे ना हाँ तो इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। हाँ जी। एक नंबर सर। घर का सर काटते लोगों को? नहीं नहीं नहीं, वो आपकी जिम्मेदारी है। 500 फाइन काटूंगा, तारीफ करेगा यार। नहीं नहीं नहीं, अपना जो गाड़ी है सर, ये गवर्नमेंट टीचर है सर। जी सर। सब तो हमारी बाइक कहाँ पे खड़ी है? अच्छा वहाँ पे खड़ी है गाड़ी। यार पहुँचने में दिमाग खराब हो जाता है कसम से। सुपर स्प्लेंडर थी वही सही था, उसको थोड़ा सा पोंछने से साफ़ हो जाती थी, लेकिन ये नहीं नहीं इसको साफ़ होना ही नहीं है। ओल्ड स्टार्ट मार देता हूँ। तो भाई साहब एक राइडर के लिए ना बाइक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है भाई, क्योंकि ये हमारे फैमिली मेंबर ही है भाई साहब, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैमिली मेंबर बोल सकते हैं। तो जो भी आप सबको पता ही होगा कि हमारे जो भी फैमिली में जो भी मेंबर रहता है, एक सेकंड पहले गाड़ी चालू कर चला लेता हूँ मैं तो। अरे मैंने तो आप सबको गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला भाई साहब। अच्छा अभी तो गुड आफ्टरनून हो रहा है, तो फिर हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आपका भाई फिर से आ चुका है एक और नए व्लॉग के साथ। तो भाई साहब देखो अपनी बाइक जो है ना चल चुकी है 2099 किलोमीटर। ओ वाओ। तो यही आप सबको बोल रहा था कि जो बाइक है भाई साहब एकदम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एक राइडर के लिए, और हमारी तो फैमिली मेंबर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैमिली मेंबर बोल सकता हूँ मैं। तो सबको मैं यही बोल रहा था कि जो भी हमारे फैमिली में जो मेंबर रहते हैं ना, उसको हम ऐसे ही तो नहीं बुलाया करते ना भाई कि अबे तू आ बे इधर आ चल चल चालू हो जा गाड़ी चालू हो जा चल, ऐसा तो नहीं बोलते ना। तो अपन बहुत ही प्यार से एक नाम से बुलाया जाता है अपने जो फैमिली मेंबर होता है उसको। तो फिर वही मैं आप सबसे आज बात करनी थी कि प्लीज़ मेरे को सजेस्ट करना कि हमारी जो बाइक है उसका नाम क्या रखा जाए। बेचारा 2000 किलोमीटर चलने के बाद इसका नामकरण संस्कार रखेंगे हम लोग, उसका प्रोग्राम जल्दी रखेंगे नामकरण का। तो प्लीज़ आप लोग सजेस्ट करके बताना कि हमारी जो डोमिनार 250 है उसका नाम क्या रखा जाए, ताकि हम बहुत ही प्यार से इसको बुलाएँ। और यहाँ पर इसका नाम भी तो लिखवाना है ना यार, क्या छोटू, अभी सिर्फ छोटू बोल सकता हूँ, इसको भड़क जाता है भाई ये। प्लीज़ 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 भाई थोड़ा सा अच्छा सा नाम कमेंट करके बताइए, सजेस्ट करके, ताकि हम इसका कुछ नाम रखें। क्योंकि मैं इसको छोटू बोलता हूँ फिर धीरे, अरे धीरे भाई नाम रखें, नाम रखें, पहली फुर्सत में निकल रखें। अरे यार धीरे चल थोड़ा, ठीक है धीरे शांत हो जा। तो फिर वही बोल रहा था कि इसका नाम रखें बहुत ही अच्छे से, बताना फिर आप कि क्या नाम रखा जाए। प्लीज़ सब भाई साहब, सब अपने भाई लोग एकदम प्यार बरसाओ, कमेंट करके बताओ कि इसका क्या नाम रखा जाए। बाकी अपन चलते हैं आज कॉलेज, दिखाता हूँ क्या क्या माहौल होता है कॉलेज में, हो सकता है कहीं घूमने का प्लान बने जैसा भी है। तो चलो चलते हैं, और प्लीज़ एक बार मेरे भाई का मतलब अपना जो फैमिली मेंबर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसका क्या नाम रखा जाए उसका कमेंट करके बताना भाई साहब प्लीज़। मैं हमेशा ही तलाश में रहता हूँ कि काश बगल में सर लोग का चेकिंग चल रहा हो। समझ रहे हो आप? देखते हैं चेकिंग चल रही है कि नहीं, अगर चल रहा होगा तो सर से मिलने ज़रूर जाएंगे। अरे यार वाले सर हैं, चलो चलो थोड़ा बात कर लेता हूँ। गुड आफ्टरनून सर। पहचान रहे हैं सर आप? पहचान रहे हैं आप? और जो सुपर स्प्लेंडर में आए ना थे जी। जी सर। बहुत बढ़िया सर। सर बस आप ही देखने आया था चेकिंग चल रही है क्या? अरे अभी तो अब याद चल रहा है। अरे कल तो खूब सारा बुलेट अच्छा, पकड़े हैं फटाका अच्छा, वाला। हाँ हाँ। और वो केस भी पकड़ लिया अपन, एक केस नहीं था। कौन सा सर? वो अश्लीलता फैला रहे थे। अच्छा हाँ जी जी जी। जी सर हमारे एसपी साहब बहुत बढ़िया भाई सर, अभी बहुत स्ट्रिक्टली कार्रवाई हो रही है सर, बहुत अच्छी बात है। वही सर आपसे ये पूछना था कि
जैसे हमारे भाई लोग पूछ रहे थे ना कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अपन जब बाइक रखे तो। हाँ जी सर, तो आप बताइए थोड़ा सा। हाँ जी सर, उसमें 45 लाख हो गया है सर। मैंने कुछ पूछा। पहले तो अभी हेलमेट और सीट बेल्ट का भी हाल चल रहा है जी सर। ऐसे बाइक में ज्यादातर लाइसेंस रखना जरूरी है जी, मुख्य चीज। हाँ मुख्य लाइसेंस बहुत जरूरी है, लाइसेंस बनवा लो उसके बाद गाड़ी। हाँ, नाबालिग को वहाँ नहीं देना चाहिए, नहीं देना। आजकल छोटे छोटे बच्चे बहुत, बहुत। हम लोग तो स्कूल में भी जाके प्रिंसिपल को समझा। अच्छा सही है सर, आप जो बच्चे गाड़ी लेके आते हैं उनको मना कीजिए, उनके पेरेंट्स को बुलाइए, उनको समझाइए, उनको मना कीजिए। ये सर हम लोग उनको जा के वो भी दे रहे हैं। अच्छा नोटिस भी दे रहे हैं। अच्छा जी सर सही है सर, लाइसेंस जरूरी है यार बच्चों में। हाँ जी सर, लाइसेंस और हेलमेट पहने। हाँ इंश्योरेंस करवाए गाड़ी का। हाँ और नियम का चले जी सर। हाँ वही सर, गाड़ी 2000 किलोमीटर चली है मेरी, अभी नई ली थी मैंने। हाँ तो वही सर। ये बॉय सर, पोल्यूशन अपन 2000 किलोमीटर चली तो अभी चेकिंग होगा सर, वही पता करना था। पोल्यूशन नई गाड़ी में 30 दिन, एक साल ना। पोल्यूशन का ये है कि यदि आप पोल्यूशन नहीं कराओगे ना तो इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। हाँ जी जी, तो इसलिए साल भर के बाद अच्छा गाड़ी। हाँ 2000 बस चलिए सर, तभी मैं सेफ्टी के लिए बनवा तो लिया हूँ, चलान ना कर जाए जी सर। जी ओके सर, और सब बढ़िया। एक नंबर सर। कहाँ है घर का तुम्हारा? सर सिहावा नगरी सर, नगरी सिहावा। एक बार मैं वो तुम बनाया था कि मैं ही बनाया था सर, स्प्लेंडर देखा था मैं। हाँ उसमें 45 लाख व्यू गए, आप देखिए ना पूरे छत्तीसगढ़ भारत के लोग कमेंट कर रहे हैं आपके बारे में, बहुत तारीफ कर रहे हैं। नहीं आप एकदम ध्यान से कमेंट को पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं सर, बहुत अच्छी बात है। तो फाइन काटते लोगों को। नहीं नहीं नहीं, वो आपकी जिम्मेदारी है सर। नहीं जिम्मेदारी है, 500 फाइन काटूंगा तारीफ करेगा यार। नहीं नहीं नहीं, अपना जो गलती एक्सेप्ट करेगा ना वो है ना, गलती करेंगे तो फाइन तो कटेगा तो है सर। जी सर थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। बाकी सबको बताना जरूरी था कि वाकई डॉक्यूमेंट अगर क्या चाहिए ना वो बहुत जरूरी है, यहाँ स्ट्रिक्टली जो एक्शन हो रहा है बहुत अच्छी बात है। देखा ना हेलमेट तो फाइन है, देखो आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अरे यार हम देखो 15-15 हजार का मुझको ये लेते हेलमेट, और तुम वो हेलमेट नहीं लगाते, सस्ता वाला ले लो यार कम से कम, महंगा वाला नहीं तो कम से कम आई एस मार का मतलब अच्छा वाला, कम कीमत में भी अच्छा वाला मिल जाता है उसको। अभी कहाँ खा ले बेटा? हाँ जी सर जी सर, बस देखा ना आपको मूड क्या आ गया, मैं फिर आप ही को ढूंढ रहा था। अच्छा। जी सर वही घर वाले भी लेके दे दिया। भाग गया भाग गया जोर से, सबको कितना पकड़ेंगे। हाँ सही है सही है, चलने से अच्छी बात है। चलिए सर चल, थैंक यू सर। कब चेंज किया गाड़ी? मैं सर पापा देखे ना आप लोग का सबका वीडियो, फिर वो लेके रख दिए थे पापा गाड़ी, मेरे को नहीं पता था। फिर मैं घर गया ना तो मैं क्या 9th क्लास जब मैं बहुत छोटा था ना तब से मेरे बाइक का बहुत ज़्यादा शौक है, मेरे घर वाले जानते हैं बहुत ज़्यादा शौक है मेरे को। धीरे चलाना जी जी सर, मस्त गाड़ी है। क्या पापा सर? ये गवर्नमेंट टीचर है सर। जी सर सबको पता है ना सर मैं बाइक के लिए थोड़ा पागल आदमी हूँ, बचपन से बाइक के लिए बहुत शौक है मेरे को। ये चैनल का नाम भी लिखवा दिया हूँ, जहाँ भी जाता हूँ ना घूमने सब देख के वो कर देते हैं। लंबा जाने के लिए सही है, इसे मैं पोल्यूशन भी बना लिया था आपसे, वही पूछना था। क्या? 10 CG हेल राइडर। क्या होता है हेल राइडर मतलब? मतलब कि ऐसे ही नाम बस रख दिया हूँ ताकि अच्छा लगे लोगों को। जी सर 250 CC, इसको माइलेज कम होगा ना? हाँ सर यहाँ तो 30 दे रहे हैं अभी, 30। दूर जाते 35 का, उससे ज़्यादा नहीं है। ये क्या चीज़ है सर? ये जैसे
लकी माना जाता है, ऐसा बोला जाता है जो लोग लंबा लंबा जाते हैं ना सर घूमने, तो एक ही रिंग लगा, तो मनाली से लाया था इसको। जी सर, बसी। हाँ जी सर, लकी माना जाता है इसको, जो राइडर लोग रहते हैं ना उन लोग। जी सर, चलाना चाहेंगे? ओके सर, थैंक यू सो मच। जी सर, अच्छी बात है सर, नहीं तो जी सर जी सर आराम से ही चलते। हाँ स्पीड बाइक है यार, हाँ सर, लेकिन लंबा जाने के लिए सही है ना सर, अब स्प्लेंडर में जाते नहीं बनता ना। जी सर, थैंक यू। भाई साहब, तो देखा आपने, इतने हम्बल पुलिस वाले सर आपको कहाँ मिलेंगे भाई, कहाँ मिलेंगे ऐसे सर आपको। भाई साहब, सर ने एकदम दिल छू लेते हैं भाई, आते ही उन्होंने मुझे हक कर लिया यार। सर आई लव यू सर। भाई साहब, आई कांट बिलीव दिस, भाई इतने हम्बल पुलिस वाले आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अपने जो भाई है ना वो पकड़ा गए थे तब भी ऐसा नहीं है कि दूसरे पुलिस वाले टाइप, अबे यार चल चलान दे, चलान कटा साले, कितना कितना पैसे ले, 2000 दे, नहीं फिर नहीं छोड़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं। वो सर एकदम भाई इज्जत से बोले, भाई के पास क्या नहीं है, हेलमेट नहीं लगाया, चल चलान कटवा उसका, चल बस। एकदम प्यार शोभिन, ऐसा नहीं कि एकदम जैसे डरा देते हैं ना लोगों को, ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत अच्छी बात है। और सर ने जो मुझे हक किया भाई साहब, बहुत ही अच्छा लगता है यार ये चीज़, पता है वो सर बहुत इतनी खुशी बहुत ही अच्छा लगता है यार ये चीज़, पता है वो सर बहुत ही अच्छे हैं भाई साहब, बहुत अच्छे। और क्या ही बोल सकता हूँ भाई, इतनी खुशी होती है ना कि सब जानते हैं हमको बहुत बहुत ज़्यादा। और सर भी बोल रहे थे बाइक को धीरे चलाओ, जो सर बोले ना सबसे इम्पोर्टेंट थिंग आपको बताता हूँ कि आपके पास सबसे कंपलसरी हेलमेट होनी चाहिए। हेलमेट देख के ज़्यादातर केस में नहीं रोका जाता, ये तो पता ही होगा आपको, हेलमेट, लाइसेंस, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन, ये चार चीज़ें होना चाहिए बस, और गाड़ी का नंबर प्लेट सही से होना चाहिए, बाकी आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा भाई। उसके बाद फिर डरना ही क्यों है, मैं तो देखा ना, मैं तो गया उसके बाद वापस भी आया सर के पास, बात करते हुए मस्त आराम से बात किया, सर ने भी बहुत ही प्यार से मेरे से बात की भाई। भाई साहब मानना पड़ेगा भाई, दुर्ग भिलाई के हमारे जो पुलिस वाले सर है ना, बहुत ही ज़्यादा हम्बल है ये सर, तो भाई एकदम प्यार हो गया है सर से, मैं कसम से बता रहा हूँ। सर भी बोल रहे थे कि आया करो। ठीक है भाई साहब, मतलब कितनी भी तारीफ करो भाई यहाँ के सर की ना, काम है उनके लिए, बस ये है कि आप अपना डॉक्यूमेंट रखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है।